हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और कैथल की इन तस्वीरों के साथ ही कुछ इसी रूप में फतेहाबाद से भी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजा गया और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का दौर फतेहाबाद में भी इसी रूप में जारी देखने को मिला। दरअसल फतेहाबाद के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बिहार के 1500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए प्रशासन ने ट्रेनों की व्यवस्था कर दी है। 2 दिनों में सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी शुरू की गई। यही वजह है कि इन सभी मजदूरों को फतेहाबाद के 3 सेंटरों में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद सभी मजदूरों को हिसार भेजा जाएगा, जहां से स्पेशल ट्रेन इन प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार जाएगी। बिहार के प्रवासी मजदूर है, उनके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेन की मांग की थी जो हमें मिल गई है, तो उसका समय आना बाकी है, तो इसके लिए हमने इन लोगों को हमारे 3 सेंटर होमों में इकट्ठा किया है। धनन सतगुरु मेरा और राधा स्वामी सत्संग मेरा और एक टोहाना में राधा स्वामी सत्संग, इन 3 जगह हमने इकट्ठा किया है। गिनती का काम जारी है, मेडिकल का काम जारी है, इनका मेडिकल करा के सबका मेडिकल फिटनेस दे के और इनको जो हिसार से ट्रेन चला। तो कहा के ये मजदूर है सर, कब तक इनको भेजा जाए? ये लगभग 10-12 जिलों के अलग अलग है, ये बस अगले 2 दिन में भेज देंगे सर। यहाँ 15-20 दिन से बैठे हैं, रोटी यहाँ कौन देगा खाने के लिए? जा रहे हैं गाँव, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, काम धाम भी कुछ नहीं है, मिल रहा है रोटी, मिल रहा है काम, मिल रहा है कोई काम नहीं है। खाना पीना में देखेगा अपन अपन खाना के बाद।